Hey lovelies, welcome or welcome back to my channel. Those who are new, hi, this is Musu. मेरे चैनल पर मैं बात करती हूँ फेमिनिन हाइजीन, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर के बारे में. मैं प्रोडक्ट्स अनबॉक्सिंग भी करती हूँ, स्पेशली मीशो से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स की. सो आप अगर इनमें से किसी एक चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब भी हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आप घर पर कैसे खुद से DIY हेयर रिमूवल सोप रेडी कर सकते हो, जो आपके अनवांटेड हेयर को परमानेंटली रिमूव कर देगा. मार्केट में आपको बहुत से हेयर रिमूवल सोप मिल जाएंगे जिसकी यूज से 5 मिनट में आपके सारे बाल रिमूव हो जाता है, लेकिन उन सोप्स में भर भर के केमिकल्स होता है जो हमारी स्किन को लॉन्ग रन के लिए ख़राब कर देता है और वो एरिया डार्क भी होने लगते हैं. इसलिए आज मैं आप लोगों से जो हेयर रिमूवल सोप की वीडियो शेयर कर रही हूँ वो 100% सेफ है, क्योंकि इसमें हम कोई भी केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं. जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे वो सब नेचुरल है और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है. तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से देख लेते हैं इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे. तो इस सोप को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पियर्स का सोप. आपके पास अगर सोप बेस है तो आप उसका यूज करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो पियर्स का सोप बेस्ट ऑप्शन है. अब इस सोप को हम ग्रेडर के मदद से ग्रेड कर लेंगे और यहाँ पर हमारा सोप ग्रेड हो चुका है. अब हम इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट करेंगे. इसके लिए हम एक कंटेनर में गर्म पानी लेंगे और उसके ऊपर एक कटोरी डाल देंगे और उस कटोरी के अंदर ग्रेड किया हुआ सोप डाल देंगे. आपके घर में अगर माइक्रोवेव है फिर तो आप उसमें इसको आसानी से मेल्ट कर लोगे. कुछ देर बाद जब सोप पूरा मेल्ट हो जाएगा तब आप इसमें ऐड करोगे 1 चम्मच फटकिरी यानी कि एलम का पाउडर. इस पाउडर को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या फिर मार्केट से इस तरह इसको खरीद के लाने के बाद आप खुद इसका पाउडर घर पर रेडी कर सकते हो. फटकिरी में ये पावर है कि ये आपकी हेयर्स की रूट को डैमेज करके आपकी हेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकता है. फटकिरी ऐड करने के बाद इसको सोप में अच्छे से मिक्स करेंगे और जब फटकिरी अच्छे से सोप में घुल जाएगा तब आप इसमें ऐड करोगे चुटकी भर हल्दी. देखो फटकिरी आपकी हेयर्स की जड़ में जाकर इसकी रूट को धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा, तो स्किन में आपकी एक डैमेजिंग प्रोसेस चल रहा होगा, तो उसी डैमेज को हील करने के लिए हम इसमें हल्दी यूज कर रहे हैं. हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारी स्किन को हील भी करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन भी करेगा. हल्दी मिक्स करने के तुरंत बाद ही आप जिस भी कंटेनर में इस सोप को सेट करना चाहते हो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के जल्दी जल्दी इस सोप की मिक्सचर को उसमें डाल दोगे, नहीं तो आपकी सोप कटोरी में ही जमना स्टार्ट हो जाएगा. फिर इसको आप फ्रीजर में रख के या फिर ऐसे ही रूम टेम्परेचर में रख के सेट होने दोगे. 4 से 5 घंटे बाद आप देखोगे ये बिल्कुल सेट हो चुका होगा. फिर इसको आप इस तरह से निकाल लोगे और ये देखिए मेरी होममेड हेयर रिमूवल सोप बनके कम्प्लीटली रेडी हो चुका है. अब बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये कितने मिनट में या कितने दिनों में सारे हेयर्स रिमूव कर पाएंगे, क्या इससे सच में हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे. तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं एक एक करके देती हूँ. पहला सवाल, इसको इस्तेमाल कैसे करना है. इसको इस्तेमाल करना एकदम सिंपल है. जैसे आप आपकी रेगुलर सोप या फिर बॉडी वॉश से अपनी बॉडी को और फेस वॉश से अपनी फेस को वॉश करते हो, उसी तरह आपको इस सोप से रेगुलरली अपने फेस और पूरे बॉडी को वॉश करना है. और आज से ही आपकी फेस वॉश, सोप और बॉडी वॉश को टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि उसकी जगह डेली आप इस सोप को इस्तेमाल करोगे. अब दूसरा सवाल, कितने टाइम में ये सारे बालों को रिमूव करेगा. देखिए ये एक 100% नेचुरल सोप है और इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में या कुछ ही मिनटों में तो ये आपकी बालों को रिमूव नहीं कर पाएगा. और आप लोग जानते ही हो कि कोई भी नेचुरल चीज़ काम करने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन रिजल्ट आपको बराबर देता है. आप जिस भी प्रोसेस से अपना हेयर रिमूव करते हो, जैसे कि शेविंग या फिर वैक्सिंग,
उसी प्रोसेस से अपने हेयर को रिमूव करते जाओगे, लेकिन साथ ही साथ इस हेयर रिमूवल DIY सोप से अपनी बॉडी को रेगुलरली क्लीन करते जाओगे। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएंगे और लॉन्ग रन के लिए आपके हेयर आना बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद। अब तीसरा सवाल, क्या इससे सच में परमानेंटली हेयर रिमूव हो जाएंगे? तो जवाब है हाँ, इससे आपके हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं, एक महीने में भी नहीं, ये टाइम लेगा, साल भी लग सकता है। बट आप खुद एक्सपीरियंस करोगे और नोटिस करोगे कि आपकी हेयर ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है, आपको पहले जैसा थिक हेयर नहीं आ रहा है, बहुत ही पतला हेयर आ रहा है, और ऐसे करते करते एक दिन आप देखोगे कि आपको और हेयर ही नहीं आ रहे हैं। ये सोप आपकी हेयर की रूट को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है और इस वजह से आपको और हेयर नहीं आएगा। इस सोप से रिलेटेड आपके मन में अगर और भी कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट करके पूछिए, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी बट ब्यूटीफुल सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।